हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है असाइनमेंट सॉल्यूशन में। और आज हम देखने वाले हैं BHIC 109 के सॉल्व असाइनमेंट, और इसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ इंडिया पार्ट 4। और ये जो सॉल्व असाइनमेंट है ये है 2000। और गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो जामिया यूनिवर्सिटी हो, ड्यूसॉल यूनिवर्सिटी हो, इग्नू यूनिवर्सिटी हो, या फिर ओडिशा यूनिवर्सिटी, या फिर बाबा साहेब ओपन यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। यानी कि अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से भी हैं तो हम उसके भी सॉल्व असाइनमेंट आपको प्रोवाइड कर देंगे। हम सॉल्व असाइनमेंट PDF के थ्रू और हैंड रिटन असाइनमेंट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो हम PDF देंगे, अगर आपको हैंड रिटन चाहिए तो हम हैंड रिटन देंगे। सो गाइस अगर आपको असाइनमेंट चाहिए तो आप क्या कीजिए, हमारी ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस पे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको मैसेज के थ्रू रिप्लाई देंगे या फिर आपको कॉल करके बता देंगे। ओके, आप हमें कॉल कर सकते हैं या तो मैसेज कर सकते हैं। सो बिना देर किए चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक BHIC 109 सॉल्व असाइनमेंट। सो यह है BHIC 109 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें 3 सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन में 500 वर्ड, सेकंड सेक्शन में 250 वर्ड एंड थर्ड सेक्शन में 100 वर्ड। और ये टोटल क्वेश्चंस हैं हमारे 10। ओके, सो BHIC 109 हिस्ट्री ऑफ इंडिया फिफ्थ पार्ट यहाँ से शुरू होता है, और ये है इसका फर्स्ट क्वेश्चन। गाइज, आपको जो ये आंसर्स हैं ये A4 साइज शीट में लिखने हैं, और ब्लैक एंड ब्लू पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको रंग बिरंगा बिल्कुल मत बनाइएगा, क्योंकि अगर आप रंग बिरंगा बनाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, बल्कि आपके मार्क्स कट जाएंगे। आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो हमने आपको सॉल्यूशंस दिए हैं इन्हें तो आप लिखिए ही, बल्कि अलग से अपने से, मतलब आप अपने से जो आपने पढ़ा है वो भी लिखिए। उससे क्या होगा कि टीचर को लगेगा कि आपने कुछ यूनिक काम करा है, आपने कुछ यूनिक बनाया है। ओके गाइस, सो आप ऐसे कीजिए कि अपनी तरह से भी इसमें लाइन्स ऐड कीजिए, अपनी तरह से पैराग्राफ्स ऐड कीजिए, और पढ़ पढ़ कर लिखिए, ताकि आपको वो हर एक वर्ड आपके दिमाग में छप जाए, आपको अच्छे से वो याद हो जाए, आपको वो अच्छे से समझ जाए, कि आप अच्छे से वो चीज़ समझ जाए, फिर आपको वो चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और ये है गाइस हमारा सेकंड क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। और गाइस, मैं कहाँ पर था कि क्या होता है कि कई बार असाइनमेंट में वो क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपके पेपर्स में आने वाले हैं। जैसे आप कोई भी पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ के असाइनमेंट आपको ज़रूर दिए जाएंगे, क्योंकि असाइनमेंट में से कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम में घुमा फिरा के। जो आंसर आप लिखते हैं ना, उस आंसर में से ही कुछ वर्डिंग्स को उठा के, कुछ शब्दों को उठा के क्वेश्चन बना दिया जाता है, और वही आपके एग्ज़ाम्स में आता है। और ये जो हमने मटेरियल यूज़ करा है ये वही मटेरियल है, और अगर आप इस मटेरियल को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से पता चल जाएगी। और गाइस, हम पहुंच चुके हैं असाइनमेंट सेकंड पे, और यहाँ पे हमें 250 वर्ड में आंसर देना है। क्वेश्चन 3 है ये, और मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन 4th की ओर। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और आपकी क्लीन राइटिंग होनी चाहिए, मतलब आप बहुत अच्छी राइटिंग होनी चाहिए आपकी, तभी आपका अप्रूव हो जाएगा। अगर आपकी गंदी राइटिंग है तो आप किसी और से बना लीजिए, या फिर हमें बनाने का ऑर्डर दे दीजिए, क्योंकि हम आपके हैंड रिटन असाइनमेंट भी बनवा देते हैं। या फिर आप इतने बिजी हैं कि आप अपने असाइनमेंट को नहीं बना सकते, सो हम आपके हैंड रिटन असाइनमेंट बनवा देंगे। सो गाइस, ये है हमारा 5th क्वेश्चन, और अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको PDF भी प्रोवाइड करते हैं। ये है हमारा सेक्शन C, यानी कि असाइनमेंट 3, और इसमें हमें 100 वर्ड में आंसर देने हैं, और ये है इसका 6th क्वेश्चन। ओके गाइस, सो ये है, सो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। इसमें सिर्फ हमें 100 वर्ड में आंसर देने थे, इसीलिए ये काफ़ी छोटा है। ये है हमारा 7th क्वेश्चन, इसमें भी ज़्यादा बड़ा नहीं किया है, इसमें भी काफ़ी शॉर्ट है, क्योंकि इसमें गाइस हमें सिर्फ 100 वर्ड में आंसर देने हैं, और जितने क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट हैं उतने वर्ड में ही आप इसको आंसर को लिखें। अगर आप उससे ज़्यादा कर देते हैं तो आपको मार्क्स उतने ही मिलते हैं, पर अगर आप ज़्यादा कर देते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदायक भी,
नुकसानदायक कैसे, क्योंकि आप जितनी भी मेहनत करेंगे मार्क्स आपको उतने ही मिलेंगे। ओके सो आप और फ़ायदेमंद ऐसे कि आप ज़्यादा लिखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से उसकी चीज़ के बारे में समझ में आता है। सो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने असाइनमेंट की ओर, और ये है 8 क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते रहिए, और हमारा ये जो मटेरियल है काफ़ी अच्छा है। आप हमें कमेंट बताइए कि आपके क्या क्या डाउट्स हैं, हम वो सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और आपको कोई भी असाइनमेंट चाहिए तो आप व्हाट्सएप के थ्रू हमें बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मैं अपनी PDF को स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। ये हम 9th क्वेश्चन पे पहुँच चुके हैं, उसके बाद 10th है, उसके बाद हमारी PDF ख़त्म हो जाएगी। मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, और ये है हमारा 10th क्वेश्चन। इसके बाद असाइनमेंट ख़त्म होता है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में हमें बताइए कि अगली वीडियो आपको किस सॉल्व असाइनमेंट की चाहिए। हम वही सॉल्व असाइनमेंट आपके लिए लेकर आएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है असाइनमेंट से रिलेटेड, आपको आपको मैथ्स का असाइनमेंट नहीं आता, मैथमेटिकल इक्वेशन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रही, या फिर मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहे, सो वो सब हम आपको सॉल्व करके देंगे। या फिर साइंस का कोई असाइनमेंट है, या फिर ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है, किसी भी सब्जेक्ट का है, हम वो सब आपको सॉल्व करके देंगे, क्योंकि हमारा यही काम है। और अगर आप हमें ऑर्डर देंगे तो हम उसी के हिसाब से आपका असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू गाइस टू वॉच आर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी यूनिवर्सिटी।